फिर वहीं से दूसरे जगह से स्टार्ट। फिर स्टॉप हो जाता है, बता कहाँ से? वहीं से दबा दे रहे। चलो फोटो ले लो। तो अब हम यहाँ पे चार्जिंग पिन को कंप्रेसर से जोड़ेंगे। थोड़ा सा गर्म करने के बाद चार्जिंग पिन को ढकेलना, उसके बाद उसे अच्छे से सोल्डिंग करना ताकि किसी तरह का लीकेज प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे चलिए दोस्तों, इसको फटाफट इसको वेल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, पुराना कंप्रेसर को हम लोगों ने कैसे हटाया, क्योंकि वो हाई एम्पियर ले रहा था। अब नए कंप्रेसर को सोल्डिंग कर रहे हैं।
इसको जब भी ब्रेजिंग करें तो प्रॉपर तरीके से करें, वरना लीकेज रह जाएगा तो दोबारा से माना हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ब्रीजिंग हुआ है, लीकेज का कोई चांस नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, हमने कंप्रेसर को चेंज कर लिया है और नया कंप्रेसर लगा दिया है। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे और उससे पहले इसको वैक्यूम में लगाएंगे। आधे घंटे तक पूरा प्रॉपर इसमें वैक्यूम करेंगे ताकि कूलिंग अच्छा रहे, ठीक है, वरना चौकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है इसमें बिना वैक्यूम गैस डाले।